टी ममता मोहंता माननीय सभापति महोदय आपने मुझे बोलने को मौका दिया आपको धन्यवाद करती हूँ। ओडिशा के मयूरभंज जिला के सिंगड़ा छोक होके झारखंड के बोहड़ागुड़ा से बम्बई तक जाने वाली नेशनल हाईवे NH-49 में एक घाट रोड है 10 किलोमीटर का। ये रोड बांगरीपोछी में और इस द्वार इसको द्वारसनी घाटी बोलते हैं। ये 10 किलोमीटर का घाट रोड बहुत संकीर्ण है एवं इसका रोज दुर्घटना होती है। बहुत सारी गाड़ियां चलती है, धन जीवन हानि घटती है। वो NH-49 का निर्माण कार्य LNT कंपनी ने काम कर रहा है और वो 10 किलोमीटर छोड़ के ऊपर और नीचे का रास्ता 80% काम हो गया है। ये 10 किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया आता है, इसीलिए ये घाट रोड टेंडर नहीं हुआ। उस घाट रोड को परिवेश मंजूरी देकर 2-लाइन रोड को 4-लाइन रोड किया जाए, रास्ता निर्माण का हो रहा है जो कि LNT वाला ने टेंडर लिया है ऊपर और नीचे की और बीच 10 किलोमीटर छोड़ के। इसीलिए आपसे मैं विनती करती हूँ कि वो जो 10 किलोमीटर रोड को 4-लेन किया जाए और परिवेश मंजूरी दिया जाए। धन्यवाद। डॉक्टर भगवत कराद। संधी दिली मराठी अनुमति दिया मैंने। हाँ माननीय सभापति महोदय बोलिए। मराठी बोलिए। आपण मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आपले आभार व्यक्त करतो आणि मी या विषयामध्ये मराठीमध्ये बोलणार आहे। आपण देशाचे उपराष्ट्रपती म्हणून 16 फेब्रुवारी 2021 एक पत्र पाठवले, निमित्त होते 21 फेब्रुवारी हा आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। त्यानिमित्ताने आपले लेख संपूर्ण देशभरामध्ये प्रसिद्ध झालेले आहेत। आपल्या मातृभाषेचं जतन करावं, आपल्या मातृभाषेचं संवर्धन करावं आणि दैनंदिन जीवनामध्ये मातृभाषा वापरावी असं आपण आपल्या पत्रामध्ये लिहिलं होतं आणि आपली बोलीभाषा लोपी पाहू नये किंवा नष्ट होऊ नये म्हणून आपण आपल्या मातृभाषेमध्ये बोललं पाहिजे। प्रसिद्ध साहित्यिक मराठी साहित्यिक प्रल्हाद केशव आत्रे म्हणतात, आपल्या आईचं दूध पिलेलं आहे अशी सांगायची लाज कोणाला वाटायला नको आहे। त्याचप्रमाणे आपल्या मराठी भाषेत किंवा आपल्या मातृभाषेमध्ये आपण बोललं पाहिजे, त्याची लाज कोणाला वाटण्याची गरज नाही आहे। मराठी भाषा ही थोर महापुरुषांची भाषा आहे। मराठी भाषा ही छत्रपती शिवाजी महाराज असतील, महात्मा ज्योतिबा फुले असतील, शाहू महाराज असतील, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असतील यांची भाषा आहे। त्याचप्रमाणे संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत रामदास, संत जनाबाई, संत मुक्ताबाई यांनी मराठी भाषेचं प्रबोधन करून या मराठी भाषेचे अभंग लिहिलेले आहेत। संत नामदेवाचे अभंग तर शीख धर्मगुरूच्या ग्रंथसाहेबामध्ये सुद्धा झळकत आहेत। प्रत्येकाने आपापल्या मातृभाषेची बांधिलकी संस्कृती साईंचे संवर्धन करण्याची गरज आहे। मराठी भाषेचा राज्यभाषा दिवस म्हणून दिनांक 27 फेब्रुवारी हा कुसुमाग्रज यांचा जन्मदिवस आहे त्या दिवशी पाळला जातो। प्राचीन महाराठी मराठी आणि महाराष्ट्र प्रकृती या भाषेचा अपहंश होऊन मराठी हा शब्द आलेला आहे। मराठीचा पहिला ग्रंथ गाथा सप्ती हजारो वर्षापूर्वीचा आहे। हजारो वर्षापूर्वी गाथा सप्ती ग्रंथ लिहिलेला आहे। त्याचप्रमाणे लीळाचरित्र ज्ञानेश्वरी हे शेकडो वर्षापूर्वी मराठीमध्ये लिहिलेली आहे। मी आपल्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे विनंती करतो की ज्या अटी शर्ती अभिजात दर्जासाठी लागतात त्या संपूर्ण मराठी भाषेसाठी आहेत। महाराष्ट्र सरकारने पठारे नावाची कमिटी अपॉइंट केली होती, त्याने 800 पानाचा रिपोर्ट दिलेला आहे, त्यामध्ये मराठी भाषेला अभिजात दर्जा द्या अशी मागणी केलेली आहे। मी शेवट माझा एका 2 लाईनमध्ये करणार आहे सर। लाभले अम्मास भाग्य बोलतो मराठी, लाभले अम्मास भाग्य बोलतो मराठी, जहालो खरच धन्य ऐकतो मराठी, धर्मपंथ जात एक जाणतो मराठी, एवढ्या जगात माय मानतो मराठी, एवढ्या जगात जाय मानतो मराठी। ही कवी सुरेश भट यांची कविता करून मी माझा ठीक है। अभिनंदन अपना चंगले बोला रहे है। खड़गे जी ठीक है ना मराठी?
खरगेजी कन्नड़ा मराठी तेलुगु हिंदी अंग्रेजी सब जानते हैं। श्री श्री मल्लिकार्जुन खरगे सर, थैंक यू, आपको आपका धन्यवाद करता हूँ साहब। मुझे आज इस जीरो ओवर में खास करके नौ बैंक के यूनियन से जुड़े हुए लाखों कर्मचारी दो दिनों से हड़ताल पर है। इस कारण बैंक के कामकाज ठप हो गए हैं और आम जनता और कारोबारी लोग भी बहुत परेशान हैं। और खास करके बैंक जो हड़ताल पे जा रहे हैं, बैंक के एम्प्लॉयज 15-16 और उसके बाद 17 मार्च जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हड़ताल पे जा रही, फिर 18 मार्च को LIC कर्मचारी निजीकरण के खिलाफ हड़ताल पर होंगे। सो देश में लगभग 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, जिनकी देश में लगभग 1,00,000 शाखाएं हैं और इन बैंकों पर लगभग 13,00,000 लोग काम करते हैं और 75 करोड़ से ज़्यादा खातेदार इसमें है। खातेदार भी बैंक का स्टेक होल्डर होता है और सरकार ने इन 75 करोड़ स्टेक होल्डर से बिना पूछे ही इन बैंकों का निजीकरण करने का फैसला ले रही है और सरकार की गलत नीतियों से और अंधाधुंध निजीकरण बेमकसद मर्जर के कारण कर्मचारी भविष्य के प्रति बहुत चिंतित है। इन 13,00,000 कर्मचारियों का कोविड जैसे खतरनाक दौर में रोजी रोटी का भी सवाल है और खास करके इस जो बैंक में काम करने वाले हैं, जो गरीब तबके के लोग भी जो रिजर्वेशन में आते हैं, उनको एश्योर्ड जॉब अगर कहीं मिलता है तो ऐसे नेशनलाइज्ड बैंक्स में और पब्लिक सेक्टर्स में ही मिलता है। इंदिरा जी बहुत सोच विचार टाइम वन मिनट सर, स्पेशल आई एम रिक्वेस्टिंग यू, यू नो ना, सो 30 seconds इट विल क्लोज। विचार और दूरदर्शी नजरिए से गरीबों के मदद के लिए बैंक का नेशनलाइजेशन किया था और उसी के वजह से आज जीरो बैलेंस अगर है तो भी बैंक में जाके अकाउंट जो खोलने का आदेश सरकार का हुआ और उसी के लिए करोड़ों लोग आज बैंक में जा रहे हैं। बैंक में जा रहे सर, इसीलिए मैं विनती करता हूँ कि जो 2008 में भी जो विश्व में बैंक यानी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी, लेकिन हमारे पास राष्ट्रीयकरण बैंक होने के कारण यहाँ पर की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिला। तो मैं खास करके आपसे यही कहूँगा कि जो लोग रास्ते पे बैठे हैं और हड़ताल कर रहे हैं, उनकी समस्या को सुलझाने के लिए वित्त मंत्री जी खुद एक बयान देंगे, ऐसा मैं मेरा धन्यवाद करके जी। एक मिनट, पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर प्लीज कम्युनिकेट टू सर, सर फाइनेंस मिनिस्टर, आधा नो यू कांट नथ, दिस इज नो 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 वांट टू एसोसिएट सर, आई हैव कॉशनड यू, यू आर अ वेरी सीनियर, द माइक इज ऑटोमेटिकली ऑफ, इट्स नॉट इन माय हैंड्स, जस्ट आई विल टेक हाफ मिनट, आई डोंट टेक मोर देन दैट, इट विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड करके जी, यू आर अ सीनियर, प्लीज अंडरस्टैंड, सी इट इज नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड, माय ओनली रिक्वेस्ट इज दैट थ्रो यू द फाइनेंस मिनिस्टर टू हैव गॉन देयर आर बहुत धन्यवाद।
हालिया फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 50 किलो अनाज की बर्बादी होती है। प्रति वर्ष 70 करोड़ टन अनाज बर्बाद हो रहे हैं। नया परंपरा इस देश में भुखमरी भी है, इसकी अनाज की रक्षा के लिए स्कूलों में और आम जनता में जागरूकता की आवश्यकता है और भंडारण करण के लिए और उसकी रक्षा के लिए उसको रखने के लिए हम बिहार सरकार के आपके माध्यम से बिहार सरकार भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि भंडारण बनवाया जाए और अनाज की रक्षा की जाए, अनाज को रखे, इसे भुखमरी नहीं हो, इस पर ख्याल किया जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ धन्यवाद। श्री वनलावेन मिजोरम नॉट देयर। श्री रेवती रमन सिंह वनलावेन यू हैव द टाइम लिमिट प्लीज गो हाँ रेवती जी बाद में इज देयर प्लीज या थैंक यू ऑनरेबल चेयरमैन सर। I want to inform the honorable members of this house about the issue of Myanmar refugees in please, the please. In the state of Mizoram. Bhai, aap abhi nahi jana. Due to the protest against due to the protest against Myanmar military coup by the Myanmar people, more than 300 refugees have entered Mizoram and about 1,500 refugees are Myanmar police personnel. Refugees are Myanmar police personnel who favor the protesters. The government of Mizoram and the NGOs were jointly helping those refugees without the help of union government. In the meantime, the Ministry of Home Affairs has given direction to the chief secretaries of 4 Myanmar bordering states not to entertain Myanmar refugees. Moreover, Ministry of Home Affairs has given an instruction to the Assam Rifles to stop entering Mizoram from Myanmar. Honorable Chairman, sir, the people of Mizoram may not be able to understand if the government of India sent them back for the following reason. Number one, they are our brothers. Number two, sending them back to Myanmar would mean killing them. From humanitarian point of view, the people of Mizoram will not accept the deportation of refugees until the restoration of peace and normalcy in Myanmar. Being the biggest democratic country in the world, we must encourage any citizens who give effort for the establishment of democratic right and principle. Honorable Chairman, sir, the whole world expects the people of India to harbor these Myanmar refugees. So I kindly request the Ministry of Home Affairs to change our policy regarding Myanmar refugees to some extent. Thank you. It is not a democratic right of any foreigner to come here and then demand something. They can make a request. Sri Revati Raman Singh. Thank you, Chairman Sahab. Manivar, main aapka dhyan ek mahatvapurna suchna par aakarshit karna chahta hu pure sadan ka bhi. Manivar, Prayagraj mein एक स्थान है लोहगढ़ा शंकरगढ़ में, वहाँ रिफाइनरी के लिए विगत कई वर्षों से जमीन अधिकृत की गई थी, लेकिन मानवर आज विगत कई वर्ष बीत गए और ये वादा किया गया था कि बिना रिफाइनरी के बाद वहाँ पर रिफाइनरी लगाई जाएगी, लेकिन बिना रिफाइनरी के लगे भी कई वर्ष बीत गए लेकिन आज तक लोहगढ़ा में रिफाइनरी लगाई नहीं गई, जबकि तत्कालीन मंत्रियों ने भी आश्वासन दिया था कि बिना रिफाइनरी के बाद वहाँ पर तत्काल लगा दिया जाए। मानो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अगर वहाँ पर रिफाइनरी नहीं लगनी है तो जो ज़मीन किसानों के अधिकृत की गई है कई वर्षों से वो उनको वापस कर दिया जाए। मानवर, अब आपसे एक और आग्रह है कि सरकार की तरफ से मानवर
एक महीने के अंदर जवाब आना चाहिए, लेकिन जवाब आता नहीं है। मानवर सरकार को कृपया ये उनको निर्देशित कर दें कि जवाब भेजने का कष्ट करें। ठीक, धन्यवाद रेवती रमन जी। श्री एम षणमुगम एसोसिएट वाले श्री भेज रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, विथ योर परमिशन आई वांट टू रेज द इम्पोर्टेंट इश्यू ड्यूरिंग द कोरोना लॉकडाउन पीरियड। The central government in the Ministry of Food and Public Distribution have made available additional 5 kg of wheat or rice and 1 kg of preferred pulses free of cost every month till November 2020. Under the provision of National Food Security Act and Prime Minister Garib Kalyan Yojana scheme. However, it has not been properly distributed in various states, including Tamil Nadu. The consumers have been taken for a ride, and instead of giving additional 5 kg of rice per person, they have given 5 kg per ration card. As a result of that, poor people in the BPL and APL have been deprived of their legitimate food grains, and central food grains were diverted to commercial purposes. Scam involving crores and crores of rupees. No, Shanmugamji, can't make an allegation now. Election is on, yes, also. Please make grains, your point. Yes, sir. The food grains were diverted to rice mills and trading involving irregulation and corruption in the distribution food grains into the central pool. I would therefore demand the central government institute an inquiry committee to go into the whole matter and ensure that there is a proper distribution of food grain sent to the states for the central pool. There should be a social audit on the food grains supplied under the NFS scheme. Right. No allegations in 0 hour, because you are aware of the rule position. You can express concern, definitely. Sri Shakti Singh Goyal. Goyal, sorry. Mananiya Sabhapati Mahoday, main ek badi gambhir vishay mein आपके जरिए सघन और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम सब खुश थे, कोरोना वायरस का ग्राफ नीचे जा रहा था, पर कुछ दिनों से बड़ी चिंता हुई रही है, क्योंकि एक ही दिन में 25,000 कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी संज्ञान लिया, चिंता जताई, और दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि आप वैक्सीन बाहर दे रहे हो, पहले देश में वैक्सीन क्यों नहीं हो रहा है पूरा? आप डोनेट करते हो या बेचते हो, उससे पहले देश की चिंता कीजिए। जब प्रशासन ने कहा कि हम आने वाले दिनों में करेंगे, दिल्ली हाई कोर्ट हैज सेड यू आर सेइंग विल डू इट टुमारो, वी से इट शुड हैव बीन डन यस्टरडे। आप कहते हो आने वाले दिनों में करेंगे, वो बीते हुए दिनों में हो जाना चाहिए था। मैं आखिरी एक ही बात करके मेरी बात समाप्त करता हूँ। मान्यवर, जो वैक्सीन हो रहा है अभी तक, सेकेंड डोज जिनको मिला है उनका टोटल फिगर परसों तक का देखें तो 0.35% को ही मिला है, और अगर इसी रफ्तार से हम चले तो 70% आबादी को करने के लिए 12 साल 6 महीने लगेंगे, और 100% करने के लिए 18 साल लगेंगे। मैं मान्यवर आपके जरिए सरकार से विनती करता हूं कि इसकी रफ्तार बढ़े, जल्द से जल्द सबको वैक्सीन मिले, उसकी व्यवस्था हो। धन्यवाद। धन्यवाद। इनको एसोसिएट करना, भेजना भाई। पॉइंट इज द गवर्नमेंट हैज टू टेक केयर ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स। आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल। अंडरस्टैंड, कोर्ट हैज गिवन सम ऑर्डर, दैट इज नाउ पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। श्री संजय सिंह। संजय सिंह जी कहाँ हैं? ओ, धन्यवाद मान्यवर, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय सरकार और सदन का ध्यान यूपीएससी के परीक्षार्थियों के मुद्दे पर दिलाना चाहता हूं। यूपीएससी के वो परीक्षार्थी माननीय जो कोरोना की महामारी के कारण परीक्षा में हिस्सा नहीं ले सके, और उम्र सीमा होने के कारण ये उनका अंतिम मौका था, अंतिम चांस था माननीय, उसमें से बहुत सारे परीक्षार्थी खुद कोरोना बीमारी के शिकार हुए, उनके पिता शिकार हुए, उनकी माता शिकार हुई, उनके परिवार के लोग शिकार हुए, और वो बच्चे हमारे पास मिलने के लिए आए थे मान्यवर। उनमें से एक परीक्षार्थी ऐसी थी, उसने बताया उनकी माँ और उनके पिता दोनों का देहांत इस कोरोना की महामारी के कारण हो गया। तो इस परीक्षा में हिस्सा ना लेने की वजह उनकी योग्यता नहीं मान्यवर,
उनकी क्षमता नहीं मान्यवर, उनकी तैयारी नहीं मान्यवर, बल्कि ये महामारी उसका दोष है, उसका कारण है। इसमें से बहुत सारे ऐसे परीक्षार्थी थे मान्यवर, जो डॉक्टर हैं, जो पुलिस हैं, जो कोरोना योद्धा हैं, जिन्होंने इस कोरोना महामारी के दौरान काम किया, सेवा की लोगों की। और ऐसा पहली बार नहीं है मान्यवर, 2011 में भी यूपीएससी के परीक्षार्थियों ने जब अतिरिक्त मौका मांगा था, अतिरिक्त चांस मांगा था, तो 2015 में सरकार ने उनको अतिरिक्त मौका दिया था। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इसमें उन छात्रों का कोई दोष नहीं है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ ना हो, इसलिए सरकार उनके बारे में गंभीरता पूर्वक, सहानुभूति पूर्वक विचार करे और उनको अतिरिक्त मौका दिया जाए मान्यवर। और एक बात और कह के समाप्त करूंगा, सुप्रीम कोर्ट में भी वो लोग गए मान्यवर, वहां पर सरकार की ओर से बाकायदा आश्वस्त किया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कि इन लोगों को अतिरिक्त मौका देने के बारे में सरकार विचार कर रही है। अगर आप विचार कर रहे हैं तो उस विचार को कार्य में परिवर्तित कीजिए और उन छात्रों को, उन परीक्षार्थियों को अतिरिक्त मौका देने की कृपा कीजिए, जिससे उनके भविष्य पर कोई आंच ना आए और उनको ये अतिरिक्त मौका मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद मान्य। राइट संजय जी, श्री के आर सुरेश रेड्डी, स्लिप भेज दीजिए। Chairman sir, thank you, Chairman sir. Welcome. This is regarding the postal stamp release in honor of Raja Bahadur Venkatram Reddy sir. As the states of Andhra Pradesh and Telangana and rest of the country gear up to celebrate the 150th annual birthday celebrations of Raja Bahadur Venkatram Reddy, I request Government of India to release a postal stamp in his honor. You are also well aware of Raja Bahadur's contribution, especially in the field of girls' education. Chairman sir, Beti Bachao, Beti Padhao, the program which is started by Government of India, very rightly so, has been initiated by Raja Bahadur Venkatram Reddy almost 80-85 years ago, at a time when girls did not have access to minimum education, minimum facilities. He enlightened the society on the need to educate the girls. So, keeping this in mind, it would be very appropriate if the Government of India could honor this great soul of our country, sir. Regular representations have been given to Government of India to release the stamp. It was referred to the Philatelic Advisory Committee by Government of India. I request them to expedite it so that it would be very appropriate for the stamp to be released this year to honor him. As if this year passes, then the next would be coming only after 25 years for his 175th. So he has been given the international honor also, sir. Edinburgh Gazette in 1931 published his contributions to the society, and Government of Telangana has started a syllabus about his life for intermediate. So keeping these in view, I request Government of India to kindly release the stamp. Thank you, sir. Ravi Shankar ji, please take note, or take note and do whatever is possible. He's a great personality. Sri Brijlal ji. Chairman sir, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान कपिल वस्तु जो जिला सिद्धार्थ नगर में है उसके विकास के तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, भारत नेपाल की सीमा पर कुछ खंडहर थे, उसकी खुदाई पुरातत्व विभाग द्वारा 1972 में हुई थी और वहाँ पर एक स्तूपा मिला और महाराज सुद्धोधन का महल मिला। उस स्तूपा में भगवान बुद्ध की अस्थि मिली जो इस समय भारत के संग्रहालय में रखा हुआ है। लुम्बिनी जो नेपाल में है वहाँ से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बुद्ध जन्मस्थली के रूप में ये प्रूव हो चुका है और उत्तर प्रदेश सरकार ने 1988 में मूल जिले बस्ती से हटा करके इसका नाम जिला सिद्धार्थनगर रखा और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम कपिलवस्तु है। महोदय, मैं आपके माध्यम से वहाँ विकास की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि वो खंडहर जो है वो भगवान बुद्ध का जो प्रसाद हमारे लिए है, जो सबसे पिछड़ा जिला सिद्धार्थनगर है भारत नेपाल का सीमा पर, हमारा भाग्य है। अगर उसका डेवलपमेंट हो जाए तो वहाँ लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा। वहाँ पर अभी जो बुद्धिस्ट की बौद्ध भगवान में आस्था है
वहाँ के देश के लोग वहाँ आते हैं, लेकिन वहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। बगल में श्रावस्ती है, बगल में कुशीनगर है, उसका समुचित विकास हुआ है, लेकिन इन दोनों के बीच में कपिल वस्तु जो है ये हमारे लिए खजाना साबित हुआ है, प्रदेश के लिए, देश के लिए, और विशेषकर हम लोगों के लिए, हम भी वहीं के रहने वाले हैं। तो इसका अगर विकास हो जाए, वहाँ पर हवाई पट्टी के लिए जगह छोड़ी गई है, वहाँ सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी है, और अगर ये विकसित हो जाता है तो जो लुम्बिनी है बगल में नेपाल का, वहाँ भी रहने की जगह नहीं है, ये सबसे सूटेबल जगह होगी। बस्ती जो मेन जगह है, रेल लाइन पास होती है, वहाँ से रेलवे लाइन प्रपोज्ड है और अच्छी सड़क बन गई है। तो महोदय, इसमें मैं ये है कि इसका विकास किया जाए, हवाई अड्डे की जगह है, हवाई पट्टी बनाई जाए, और सबसे महत्वपूर्ण है कि बुद्ध का अस्थि कलश जो संग्रहालय में रखा है, उसको पिपराहवा, उस जगह का नाम है कपिल वस्तु जो बना है, वहाँ पर रखा जाए, जिससे वहाँ पर पर्यटक आकर्षित होंगे और इससे विकसित होंगे हम लोग, सुविधाएँ मिलेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय। धन्यवाद विराज जी। श्री प्रसन्न आचार्य। थैंक यू चेयरमैन सर फॉर गिविंग मी दिस परमिशन। सर, माय सबमिशन इज रिगार्डिंग द इंक्रीजिंग इंसिडेंसेस ऑफ रेप एंड चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस इन अवर कंट्री। सर कपूल डेज बिफोर वी ऑब्जर्व द इंटरनेशनल वीमेन डे, एंड सर different governments, the central government and different state governments, not that they are not taking any measure, not taking any step in this regard, several governments are taking different measures to contain this crime. And I can proudly claim, sir, that my government in Odisha, led by Naveen Patnaik, has been taken exemplary step to get control over the situation. But sir, unfortunately, in spite of all the steps taken, these incidences of crime against women are increasing in this country. Sir, you'll be knowing that according to the National Crime Record Bureau data, there has been an average 87 rape cases daily in 2020, which is a 7% rise in the crime against women that happened in 2019. Sir, in 2019 alone, overall 4,05,861 cases of crime against women have been reported. These are all reported cases. There are many cases which has not been reported, because people and the concerned families are very much concerned about their social prestige and social stigma. Therefore, many cases are not being reported in the police station or before the authorities, sir. Sir, again, as reported by the NCRB, a total number of child pornography and child rape incidences is 13,244 from March 2020 to September 2020, within 6 month time. That is the, sir, increase. So these are the reported cases, I just say, sir. Sir, couple of years before, there was the Nirbhaya Kanda in this country, and the whole nation was rocked. And after that, this parliament enacted the POXO Act, sir. And as per the provision of the POXO Act, sir, the such cases, FIR should be registered quickly and trial to be completed within 6 months. That is the provision of the case. And for that, sir, there is a provision that fast track court will be set up in all the districts of the country. And provision was made by the government also. But sir, unfortunately, in many of the districts in the country, fast track court has yet to be set up. Therefore, many cases for longer time are pending in the respective court. So therefore, sir, my appeal to the central government, please coordinate with the respective high courts and the respective state government. And wherever no fast track court has been set up so far, quickly, as far as quick as possible, sufficient number of fast track courts should be set up under the POXO Act, so that such cases can be speedily trial and the guilty can be taken into task. Thank you, sir. धन्यवाद प्रसन्न जी। श्री संजय सेठ मासिक भेजना। सभापति महोदय, जिस तरह से कोरोना महाकाल के समय हमारे डॉक्टर्स व नर्सिंग वर्कर्स द्वारा देश की सेवा की, वो काबिले तारीफ है, और इसके लिए पूरा देश उनको हाथ जोड़ के नमन करता है। परंतु आज मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय को इस सदन में उठाना चाहता हूँ। आज देश में यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना अज्ञात कारणों से मृत्यु होती है, तो हर इस तरह की परिस्थिति में
वास्तविक मौत को का कारण जानने के लिए उसका पोस्टमार्टम होना अनिवार्य होता है। इस पोस्टमार्टम की जो भी रिपोर्ट आती है उसके ही आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करती है तथा न्यायालय भी उसी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को आधार मानकर अपना फैसला सुनाती है। जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट इतनी ज़रूरी है तब उसको करने के लिए डॉक्टर जो फॉरेंसिक साइंस में पढ़ाई किए हों होने चाहिए, परंतु ये दुर्भाग्य है कि बहुत सारे सरकारी अस्पतालों में फॉरेंसिक डॉक्टर की कमी होने के कारण अन्य विषयों के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा ड्यूटी की जा रही है तथा इस कार्य को करने के लिए ज़्यादातर सफाई कर्मचारी व वार्ड बॉय इसको करते हैं और डॉक्टर केवल खाना पूरी करके इसकी रिपोर्ट पे सिग्नेचर कर देते हैं। इस तरह की जिस रिपोर्ट के आधार पर दूसरे व्यक्ति की ज़िंदगी निर्भर हो वह महज खाना पूर्ति के द्वारा पूरी की जा रही है जिसके उसके कार्यान्वयन पर असर दिखाई पड़ता है और रिपोर्ट में त्रुटि होने की संभावना बन जाती है। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि वह इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए फोरेंसिक साइंस के डॉक्टर की मेडिकल में सीट्स की संख्या को बढ़ाए जिससे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही तैयार करे और वास्तविक पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने से पीड़ित को उचित न्याय मिल सके तथा साथ ही साथ हर जिले में ऐसी मॉर्चरी का एक प्रबंध होना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी। प्रोफेसर मनोज कुमार झा। शुक्रिया सभापति महोदय। आपके बाद छाया वर्मा जी भी है, इससे टाइम को थोड़ा। जी सर, सौहार्दपूर्ण बंटवारा रहेगा। जी सर, एक बार पुनः धन्यवाद आपका इस विषय को आपके संज्ञान में लाने के लिए। माननीय सभापति महोदय, इस सदन में पहले भी मैंने ये बात रखी है कि जातिगत जनगणना क्यों नहीं हो रही। एक बार हमने की थे, करोड़ों रुपए खर्च किए और कहा कि डेटा मैनिपुलेट हो गया। ऐसा सर, इस आधुनिक युग में अगर ऐसा हो रहा है तो ये विडंबना की परिस्थिति है। मेरा सिर्फ आग्रह है सर कि अभी सब कैटेगराइजेशन की बात हो रही है, एक कमीशन को बार बार एक्सटेंशन मिला है। सर, दुनिया के किसी भी मुल्क में एफर्मेटिव एक्शन या रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन में जब कोई बदलाव होता है तो एविडेंस जनरेट किया जाता है। हमारे यहाँ वो एविडेंस कहाँ है सर? वो एविडेंस कहाँ से आएगा? वो एविडेंस तभी आएगा जब SECC डेटा हम लें, ताकि चूंकि अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि 50% सीलिंग को रिविजिट करें। सर, ये सीलिंग को रिविजिट करना, सब कैटेगराइजेशन, इसके लिए आवश्यक है कि जातिगत जनगणना जब 2021 की जब जनगणना हो उसमें ये मुद्दे जोड़े जाएं। देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों के बीच में भी एक आम राय है कि ये पता चले कि ठेला चलाने वाले की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, सब्जी बेचने वाले की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, श्रम को औने पौने कीमत पर बेचने वाले की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है। मैं समझता हूँ खेतीहर मजदूर की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है। मेरा अपना आग्रह है माननीय सभापति महोदय, सरकार के वरिष्ठ मंत्री लोग बैठे हुए हैं सर, कृपा पूर्वक इसको करवाइए ताकि वर्गीकरण जब आप करें तो आपके पास एविडेंस हो। शुक्रिया सर, जय हिंद। धन्यवाद मनोज जी। श्रीमत छाया वर्मा जी। सर धन्यवाद। सर, जब जब जनगणना होती है तो जातिगत जनगणना की बात ऊपर उठ के आती है। इसी बात को भांपते हुए प्रधानमंत्री जी ने 2019 के चुनाव में घोषणा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन करोड़ों रुपए फूंक देते हैं जनगणना कराने में, लेकिन जाति का नहीं निकल के आता, तो इस करोड़ों रुपए के फूंकने का कोई औचित्य नहीं है। महोदय, सरकार पिछले नीतिगत निर्णय का हवाला देती है। सरकार नीतिगत निर्णय लेने में सक्षम है, अपने मित्रों की नीति लेने में तो तनिक भी देर नहीं करती, अपने मित्रों का नीतिगत निर्णय तुरंत लागू कर देती है, लेकिन इस षड्यंत्र के पीछे क्या राज है समझ में नहीं आता। महोदय, सरकार गधा घोड़ा गाय बैल भैंस सबका गणना कराती है, किसके घर टीवी है, किसके घर फ्रिज है, किसके घर दो चक्के की गाड़ी है, किसके घर चार चक्के की गाड़ी है, वो तक गणना कराती है, लेकिन जाति जनगणना के पीछे नहीं रिपोर्ट नहीं आना समझ से परे है। मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि तत्काल जातिगत जनगणना कराए ताकि जाति के लोगों को उनका अधिकार मिल सके। धन्यवाद सर। श्री यादव भेजना। धन्यवाद।
रिलीज ऑफ एमपी लैट्स గురించి సార్ తమ దృష్టి తీసుకొస్తున్నాం నా కూడా 219 20 సంవత్సరంలో ఇంకా 2.5 కోట్ల పెండింగ్ ఉన్నాయి శిక్షణకు పోతనేమో ఎంపీ లాట్స్ మొత్తం కూడా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ కు సరెండర్ చేసినామని చెప్తున్నారు మరి ముఖ్యంగా నేనే కాదు ఎంపీ రాజ్యసభ లోక్సభ ఎంపీల పదవి కాలం ముగిసిన వాళ్ళే కూడా వర్క్ చేసినా కూడా బిల్లులు రాక ఇబ్బంది పడుతున్నారు సార్ ప్రజా ప్రతినిధులకు అది అగౌరవం అవుతున్నది కేంద్ర సర్కార్ 2020 2021 2022 సంవత్సరాలే కూడా కరోనా కోసం మరి వారికి కేటాయించారు అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కూడా అదే కరోనా కోసం మేము ఖర్చు పెడతాం ఇతర ప్రజా అవసరాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ రెండు సంవత్సరాల నిధులు కూడా మాకు కేటాయించాలని చెప్పి కోరుతున్నారు సార్ ముఖ్యంగా హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ సార్ ఐ డిమాండ్ ఫర్ రిలీజ్ ఆఫ్ 2021 అండ్ 2021-22 ఎలాంగ్ విత్ అవర్ పెండింగ్ డ్యూస్ అండ్ ఎంపీ లాట్స్ 18, 19, 19, 20 పెండింగ్ డ్యూస్ ఓనప్ సార్ ఇది జరూర్ హోనే కాయే సార్ రైట్ ధన్యవాద్ సో స్పెషల్ మెన్షన్ డాక్టర్ ఫౌజీ వాట్ యు సే రెస్పాండ్ సార్ ప్లీజ్ యు వాంట్ సార్ సెవరల్ ఎంపీస్ కేమ్ అండ్ రిప్రజెంటెడ్ ఫ్రమ్ వేరియస్ డిఫరెంట్ పార్టీస్ ఆన్ దిస్ మ్యాటర్ ఇట్ ఇస్ వెల్ నోన్ దట్ ఫర్ ద ఇయర్ 2021 and 2021-22 ద డిసిషన్ హ్యాడ్ బీన్ టేకెన్ దట్ no new commitments for MP lads will be made and therefore no allocation will be made however the represented the MPs who represented me were requesting that the year 1920 whatever commitments have been made they at least be cleared and because the new Lok Sabha came into position from 2019 Lok Sabha MPs of 2019 who are continuing of course members now for the year 1920 whatever commitments have been made will be honored I have cleared the file on it I am very glad to tell the members that for 1920 I just want to make it I am repeating the line just so there's no confusion for 1920 the year before the corona thing happened every commitment which has been made by honorable MPs will be fulfilled however as was the instruction or as was the notification made for the year 2021 and for the year 21-22 no new commitments on MP lads will be entertained that rule remains with that rule remaining in place for the year before 2020 that is 19-20 every commitment will be fluid and money has been cleared please hey, suniye kam se kam that was also a concern money has been cleared from ministry of finance MOSPI, the Statistics and Program Implementation Ministry, has also assured me that they will immediately send the money to the districts. Honorable MPs can please approach their district authorities. Both Lok Sabha and Rajya Sabha. Yes, right. For the year 1920. Right. Thank you. Thank you. Good. Then special mention, Dr. Fauzia Khan. Good. Huh? Anand ji. The unprecedented crisis, the pandemic, and last year, financial year 2020-21, but a decision taken to take it away for 2 years perhaps was too harsh and unfair. That was already in a representative democracy. It is a scheme. It is a scheme, right. And the parliamentarians were not consulted. We are so not going for discussion. We are not talking about the salary cut or the allowances cut. But this is directly connected right. with the people. Dr. Fauzia Khan, Anand ji, please. No, no. Right. Please. Part of 1 year that has taken. Right. 1 year right. Right. Dr. Fauzia Khan.